दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको बहुत ही अच्छा हेल्दी रूटीन जिससे आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। तो उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नीम्स किचन में। मैं निमिषा गौर आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत मेन टॉपिक है, आपकी लाइफ से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो आज हम बात करेंगे हेल्दी डाइट प्लान के बारे में, कि कोई डाइटिंग प्लान नहीं दे रही हूं मैं, सिर्फ हेल्दी डाइट प्लान जिसको आप अपना के बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, एनर्जेटिक रह सकते हैं। और बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, अभी 21 दिन आप घर में हैं, आपको रहना ही है घर में, तो 21 दिन आप क्यों नहीं अपने आप में ध्यान दें। अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं तो आप अपने अंतर मन में जाइए और सोचिए कि आपका भोजन किस तरह से चल रहा है, आप कैसे क्या भोजन ले रहे हैं, मॉर्निंग से इवनिंग तक कितना न्यूट्रिशन आपके बॉडी में जा रहा है और उसको बर्न किस तरह से कर रहे हैं आप। तो ये बारे में आप सोचिए, आप 10 मिनट आप अपने बॉडी को दीजिए, जिससे आप बहुत हेल्दी हो जाएंगे। और बोला ही है, अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, तो आपका बॉडी बिल्कुल एनर्जेटिक होगा, एक्टिव रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और अगर बॉडी एक्टिव है तो आपका दिमाग भी, माइंड भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, एनर्जेटिक होगा और नए नए आइडियाज आप बहुत अच्छे से सोच सकेंगे। तो आज हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे, बहुत मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले है, हमें क्या खाना चाहिए, व्हाट वी ईट, क्या खाना चाहिए, कितना संतुलित मात्रा में होना चाहिए वो। तो व्हाट वी ईट पे हम बात करेंगे, और व्हेन वी ईट, टाइम क्या होना चाहिए। हर खाने का एक समय होता है, ऐसा नहीं कि हर कुछ चीज आप सारे दिन खाते रहिए, घर में है तो बिल्कुल ये मुमकिन है कि आप सारे दिन खाएंगे, क्योंकि भूख लगेगी, आपने ये भी खा लिया, चटर बटर खाते रहेंगे, पर उसका एक टाइम निर्धारित करिए हर चीज खाने का। व्हाट वी ईट, लंच कब करना है, डिनर कब करना है, ब्रेकफास्ट कब करना है, इवनिंग स्नैक्स कब लेना है, अगर ये बिल्कुल टाइम पे चलेगा तो आपका बॉडी एक्टिव रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस हो जाएगा, तो अलग से डाइट प्लान देने की जरूरत नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट है, हाउ मच वी ईट, कितना खा रहे हैं। कुछ लोग डाइटिंग के नाम पर बिल्कुल माइनस कर देते हैं अपना मील को, अपने लंच को, अपने डिनर को माइनस कर देते हैं, उनको लगता है जैसे वेट लॉस हो जाएगा, होगा 100% वेट लॉस होगा, पर अगर वेट लॉस होता है उसके साथ साथ में आपका बॉडी भी डाउन हो जाएगा, वीक हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, क्योंकि आप डाइट प्लान तो कर रहे हैं, आप कम खा रहे हैं, बट आपका काम कम नहीं हुआ है, आपका बॉडी उतना ही वर्क कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर आपने वेट लॉस करने के लिए कम खाया, बॉडी में पानी का स्तर कम हो जाएगा, और बॉडी में पानी का स्तर कम होने से आप लो एनर्जेटिक हो जाएंगे, एनर्जी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद में जिस तरह से आपने नॉर्मल खाना पीना शुरू कर दिया तो आपका बॉडी उतनी ही जोर तेजी से आप वेट गेन कर लेंगे। तो कोई जरूरत नहीं है भूखा रहकर पतला होने की, अगर इस हिसाब से जैसा मैं बताती हूँ ऐसा ही आप अगर रखते हैं अपनी खाने को पीने को, तो आप वैसे ही बिल्कुल हेल्दी बॉडी लेकर रहेंगे और सारा न्यूट्रिशन भी जाएगा। तो नाउ हाउ मच वी ईट बात कर ली, नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम वी ईट, कितने टाइम, कितने कितने गैप में और कितनी बार आपको थोड़ा थोड़ा सा करके कुछ खाना है। कुछ लोग क्या होता है, बिल्कुल भूखे रहेंगे कि आज मैं डाइटिंग पे हूं, शाम को थोड़ी भूख लगी, बहुत सारा एक साथ खा लिया, तो उसके वो डाइट करने का कोई मतलब नहीं है, वो ज्यादा खाने से और आपका वेट गेन होगा। नाउ नेक्स्ट है सीजनल वेजिटेबल्स, जो सीजन में है वो वेजिटेबल्स लेनी है, सीजनल फ्रूट्स, प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक होता है, प्रोबायोटिक आप जैसे जानते हैं कर्ड है, कैफीन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ वाटर, कि एक दिन में आपको कितना वाटर पीना है, ना ज्यादा ना कम, उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट है योगा और एक्सरसाइज, जो हम खा रहे हैं उसको बर्न कैसे करें, कैलोरी बर्न। तो सबसे पहले शुरू के दो पॉइंट पे हम बात करेंगे, व्हाट वी ईट, व्हेन वी ईट, तो इस दो पे बात करेंगे, इनको हम रख कर देते हैं। तो पहले ये दो बात करते हैं कि आप कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आप कब खाओगे। अभी जैसे वेकेशन चल रहा है, घर पे रहना पड़ रहा है, तो हो सकता है आप लेट उठे या जल्दी उठे, वो आप पर डिपेंड करता है। तो अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो सबसे पहला चीज आपको जो लेना है वो वार्म वाटर लेना है, बहुत अच्छा रहता है डाइजेशन के लिए, बहुत अच्छा रहता है, और जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है।
तो सबसे पहले है व्हाट वी ईट। आप जब उठे, सबसे पहले जब उठ के सबसे पहली चीज होनी है वार्म वाटर। वार्म वाटर के मैं बहुत सारे आपको ऑप्शंस दे सकती हूँ, जैसे जीरा वाटर ले सकते हैं, अजवाइन वाटर ले सकते हैं, सौंफ वाटर ले सकते हैं, मेथी वाटर जिसको वेट लॉस करना है मेथी वाटर, या जिसकी बोन्स में पेन होता है मेथी वाटर बहुत अच्छा रहता है उसके लिए, और कोरिएंडर वाटर ले सकते हैं, कोरिएंडर सीड्स का कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, जो जिसको कोलेस्ट्रॉल है या थायराइड का प्रॉब्लम है, कोरिएंडर सीड्स का वाटर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ जिसको कोलेस्ट्रॉल है और थायराइड हो रखा है वो ले सकते हैं, या नॉर्मल वार्म वाटर प्लस हनी प्लस लेमन आप ले सकते हैं, कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं तो नॉर्मल वार्म वाटर आप ले लीजिए। अच्छा, इनको कैसे करना है, अजवाइन जीरा कोरिएंडर सीड्स इन सबको या मेथी सीड्स रात को आधा चम्मच लिया, जो भी आप लेना चाहते हैं आधा चम्मच लिया, एक गिलास पानी में डाल दिया, मॉर्निंग में उठे उसको बॉइल किया बहुत अच्छे से, वाटर को बहुत अच्छा बॉइल किया, हाफ तक रहने दिया और उसको ल्यूकवॉर्म होने के बाद में, छानने के बाद में आप उसको ले लीजिए। नहीं लेना चाहते हैं नॉर्मल वार्म वाटर लीजिए। उसके बाद में आप थोड़ा सा प्राणायाम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है जैसे, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, लास्ट पॉइंट था हमारा। उसके बाद में आप ब्रेकफास्ट लेंगे, ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, हेल्दी ऑप्शन है, प्रोटीन अगर आपने सुबह ले लिया तो वेट लॉस का कुछ भी चिंता नहीं है, वेट लॉस 100% होगा अगर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आपने प्रोटीन ले लिया। तो ब्रेकफास्ट के हेल्दी ऑप्शन के बारे में अगर बात करते हैं, बहुत सारे हैं, वेजिटेरियंस के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, पोहा है, उपमा है, दाल चीला है, बेसन चीला है, ओट्स हैं जिसमें बहुत सारी आप वेजिटेबल्स ऐड करके एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं, और कुछ नहीं है तो कॉर्नफ्लेक्स है उसके अंदर आप नट्स डाल सकते हैं, और इडली है, इडली भी बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, डोसा हो गया आप डोसा ले सकते हैं थोड़ा सा। तो आप वार्म वाटर लेंगे उठने के तुरंत बाद 7 से 8 के बीच में बता रहे हैं आफ्टर, उसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद में आप 9 से 10 के बीच में ब्रेकफास्ट करेंगे, अच्छा शानदार हैवी ब्रेकफास्ट हो सकता है, जरूरी नहीं आप थोड़ा सा ही लें, पेट भर जाए फुलफिल हो जाए उसके बाद में, क्योंकि आप जानते हैं रात भर हम थोड़ा रात भर शाम से लेके सुबह तक के बहुत आवर्स उसे होते हैं जिससे बॉडी को एक फूड नहीं मिल रहा है, क्योंकि और उसको वापस से बॉडी को पुश करने के लिए एक ऐसी चीज से शुरुआत करनी चाहिए जो एकदम पुशिंग मिले, एनर्जी मिले और फिर आप तैयार हो जाए दूसरे दिन के लिए। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट हो गया, बहुत सारे हेल्दी ऑप्शन है, ब्रेकफास्ट में आप जूस भी जोड़ सकते हैं, हाफ ग्लास ऑफ जूस लेनी चाहिए, जरूरी नहीं है फुल ग्लास ऑफ जूस लें, हाफ ग्लास, या आप बटर मिल्क पीना चाहते हैं तो बटर मिल्क भी पी सकते हैं। और उसके बाद में शुरू हो गया, तो ये होगी ब्रेकफास्ट की बात। अब है 10 से 11 के बीच में भी आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भूख लगती है, कुछ खाने की इच्छा होती है क्योंकि आप अभी घर में हैं, तो कुछ खाने की अगर इच्छा होती है तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, सोक करके भी ले सकते हैं उसको, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लड्डू होते हैं जैसे मैंने आपको दिया था, ये लिंक मैंने भेजा था, तो ड्राई फ्रूट्स लड्डू भी आप ले सकते हैं, और उसके साथ में एक सीजनल फ्रूट्स लें, सीजनल फ्रूट एप्पल भी ले सकते हैं, अभी जैसे गर्मी है ऑरेंज ले सकते हैं, आप कुछ भी एक फ्रूट ले लें। ठीक है, उसके बाद में आप फिर वो लंच के टाइम आ जाता है, लंच का टाइम 1 से 2 के बीच में रखिए, 1 से 2 के बीच में आप लंच में आप क्या क्या ले सकते हैं, बहुत ऑप्शन है वेजिटेरियंस के पास, बहुत ज्यादा ऑप्शन है, उसमें 2 रोटी लीजिए, दाल लीजिए कोई भी दाल, या कोई भी ग्रेवी की सब्जी, दाल हो सकता है, राजमा हो सकता है, कढ़ी हो सकती है, बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है कढ़ी भी, और उसके साथ में एक ग्रीन सब्जी जरूर लीजिए, और लंच करने से पहले बहुत सारा सलाद ले लीजिए, सलाद बहुत अच्छा फाइबर है उसके अंदर, सलाद में और कुछ भी नहीं तो नॉर्मल टमाटो ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, और अगर सर्दियां हैं तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, गाजर हो सकता है, मूली हो सकती है, तो लंच में ये हो गया, सब्जी हो गई, और उसके साथ में आप बटर मिल्क लीजिए, बटर मिल्क जब बना रहे हैं हमेशा ध्यान रखिए उसके अंदर थोड़ा पुदीना डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, सिका हुआ जीरा डाल दीजिए और थोड़ा काली मिर्च डाल दीजिए, बहुत ही हेल्दी बटर मिल्क है, आपका डाइजेशन हमेशा अच्छा रहेगा, पेट का कुछ भी प्रॉब्लम है वो कभी भी नहीं होगा। तो लंच में अगर आप राइस लेना पसंद करते हैं तो रोटी 1 ही रखिए, तो 1 रोटी के साथ में आप थोड़ा 1 कटोरी राइस ले लीजिए,
राइस नहीं है तो दो रोटी रखिए। आपने ये ले लिया और उसके बाद में थोड़ा सा वॉक भी जरूरी है, खाना खाते सोना बिल्कुल भी सही नहीं है, हल्का सा एक घर में ही एक दो वॉक करें, रेस्ट लें। शाम को फिर 4 से 4:30 बजे अधिकतर लोगों को इच्छा होती है, अधिकतर लोग चाय पीते हैं, इंडियंस हैं जरूर चाय पीते हैं, अगर चाय नहीं पीते तो बहुत अच्छा है, ग्रीन टी ले लीजिए आप उसकी जगह, ग्रीन टी बहुत हेल्दी ऑप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर आ रहे हैं उसके अंदर, बहुत अच्छा है। और अगर आप चाय लेते हैं और हल्का फुल्का भूख लगता है आपको तो उसके साथ बहुत सारे ऑप्शन है, मुरमुरा नमकीन बनाई जाती है जिसका मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है, आप मखाना खा सकते हैं, अच्छा सा सेक कर मखाना खा सकते हैं, या फिर घर से बने हुए घर में बने हुए बिस्किट्स खा सकते हैं, ओट्स के बिस्किट जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ ओट्स बिस्किट के, तो आप देखिए घर पे बनाइए, हमेशा बोलती हूँ घर पे ही बनाइए हर चीज, ज्यादा से ज्यादा बाहर की चीज लेने की बजाय घर की चीज खाएं, सबसे हेल्दी ऑप्शन है। और अननेसेसरी डाइट मत करिए, लोग डाइट के नाम पे कार्ब्स कम कर रहे हैं, कार्ब्स कम करने से आप हो जाएंगे वेट लॉस होगा आपका, बट आपकी बॉडी की एनर्जी लॉस होती जाएगी, वीक होते जाओगे आप। और बहुत सी डाइट आई है यूट्यूब पे देख के, बहुत लोग कोई से भी जो हर एक एक लेडी हो रही है वो ले रही है कीटो डाइट ले लेती है, वो ये पेलिया डाइट ले रही है, वो जीएम डाइट ले रही है, ये डाइट लेने से बहुत 100% आपका वेट लॉस होगा, बट उसके बाद में जो उसके नेगेटिव असर है वुमेन्स पे बहुत ज्यादा देखे गए हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है उनका, हार्मोनल डिसबैलेंस होने के कारण बॉडी में पेन हो रहा है, बोन्स में पेन हो रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो रही है, पीसीओडी की जो बिल्कुल मेन अभी कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज में, पीसीओडी की प्रॉब्लम शुरू हो रही है, ये सब डाइट पे मत जाइए, प्रेस मत करिए इतना, जिसको जरूरत है जो, क्योंकि कुछ लोग आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, सारे दिन बैठ के करने वाले जो जॉब होते हैं उनको टाइम नहीं मिल रहा है अपने लिए, तो वो ऐसी डाइट अपना सकते हैं, अगर टाइम है अपनी बॉडी को टाइम दीजिए आप। तो शाम की इवनिंग स्नैक्स की बात हो रही है, तो इवनिंग स्नैक्स में आप ग्रीन टी ले सकते हैं, नॉर्मल टी ले सकते हैं, शुगर कम लीजिए, व्हाइट शुगर कम लीजिए, व्हाइट राइस कम लीजिए और व्हाइट नमक कम लीजिए। तो ये हो गया इवनिंग स्नैक्स। और अब बात करेंगे अब हम लोग डिनर की, तो लोग आजकल रात को 10-10, 11-11 बजे डिनर हो रहा है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, हेल्थ के लिए बहुत ही गलत चीज है ये। तो डिनर का टाइम होता है 7 to 8, अगर आप अभी घर में हैं इसलिए मैं इस बात पे जोर डालूंगी कि प्लीज 7 to 8 के बीच में डिनर कंप्लीट करिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं ऑफिस जा रहे हैं तो वो बात थोड़ी अगर डिफरेंट हो जाती है कोई बात नहीं, बट अभी घर पे है 7 to 8 डिनर आपका फिनिश हो जाना चाहिए, डिनर बहुत ही लाइट होना चाहिए, डिनर में आप दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं और बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करके अगर आप बनाते हैं तो फाइबर भी जा रहा है, न्यूट्रिशन जा रहा है पूरा, पूरी पौष्टिकता जा रही है आपकी बॉडी में और हल्का का हल्का है, क्योंकि रात को वॉक ज्यादा नहीं होती है, कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, कोई कैलोरी बर्न नहीं होती रात को, तो जितना हम अच्छा सुपाच्य खाना खाएंगे, जल्दी से हजम होने वाला खाएंगे और फाइबर्स युक्त खाएंगे तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो डिनर में दलिया और खिचड़ी। तो सीजनल फ्रूट्स हम लोगों ने पहली बात कर ली है, सीजनल फ्रूट्स में जो भी सीजन में आ रहे हैं वो आप लीजिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है फ्रूट्स में विटामिन सी, ऑरेंज ले सकते हैं और उसके अलावा एप्पल तो हमेशा आती है, एप्पल आप लीजिए, हमेशा एक एप्पल खाइए, वैसे भी लिखा है कहावत है एक एप्पल खाइए और डॉक्टर से दूर भागिए, तो फ्रूट्स जो भी सीजन में आ रहा है वो फ्रूट्स आप लीजिए। प्रोबायोटिक है ये हो गया, प्रोबायोटिक में सबसे अच्छा ऑप्शन है कर्ड, जीवन भर कर्ड खाइए आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कर्ड एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है प्रोबायोटिक में। ओके नाउ वाटर, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कितना वाटर पीना चाहिए, कितना सब, क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग होता है, कुछ भी इसमें वो बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 7 to 8 glass वाटर दिन में पीना चाहिए। और उसके बाद में आता है योगा और एक्सरसाइज, योगा जैसे आपने मॉर्निंग में जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया है वार्म वाटर लेने का, उसके बाद में आप 10-15 मिनट रुक के आप योगा करिए, क्योंकि योगा हमेशा खाली पेट करना चाहिए, योगा प्राणायाम आप आराम से पर जरूर करिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, मानसिक और शारीरिक रूप से हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और इसका मैंने अभी वीडियो हाल ही में अपलोड भी किया है, आप देखिए और 100% आप करिए। एक्सरसाइज अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, जिम में जाते हैं जैसे,
तो और या घर में ही अगर आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं तो आप एक्सरसाइज करिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेकर, उसके हाफ एन आवर या 40 मिनट्स बाद में आप एक्सरसाइज करिए, खाली पेट एक्सरसाइज मत करिए। इसका भी मैंने आपको एक वीडियो अपलोड कर रखा है। तो वीडियो का कंक्लूजन यही निकल रहा है कि आप अपने लाइफ में कभी भी ये मत सोचिए कि ये फूड नहीं खाना है या ये फूड ज्यादा खाना है। हर चीज खाइए, वैरायटी ऑफ फूड रखिए अपनी लाइफ में, हर तरीके की चीज खाइए। अगर आपने कोई भी चीज को माइनस किया है अपनी डाइट में से तो याद रखिए आपने पौष्टिकता जो जारी है बॉडी में, पौष्टिकता नहीं जाएगी। हर तरीके का पोषण जाना बहुत जरूरी है, हर तरीके का न्यूट्रिशन जाना बहुत जरूरी है बॉडी में। किसी भी चीज को माइनस मत करिए। बट हाँ, व्हाइट फूड जो मैं बोल रही हूँ, व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट और व्हाइट राइस को थोड़ा कम कर दीजिए, हो सके तो माइनस कर दीजिए। ब्लैक सॉल्ट को अपनाइए, ब्राउन राइस ज्यादा से ज्यादा खाइए, बाहर की चीज नहीं खाइए, पैकेट फूड नहीं खाइए। ये सबसे अच्छा हेल्दी डाइट प्लान है, आपको वेट लॉस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये चीज अपनाई जो मैंने बताया, वैसा ही खाया, उसी टाइम खाया, वही लाइफस्टाइल अपनाई जैसा मैं बता रही हूँ, तो आपको वेट लॉस करने की जरूरत नहीं है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।